एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां जर्जर तार तोड़कर सड़क पर गिरा उठ रही चिंगारी से सहम गए राहगीर। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस के अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों ने डिस्कनेक्ट की इलाके की बिजली, मचा रहा हड़कंप। बता दें, तस्वीरें नगर कोतवाली इलाके के टेंगुआ के पास की है, जहां जर्जर तार टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद उससे चिंगारी उठने लगी। चिंगारी देख आने जाने वाले राहगीर सहम गए और इसकी सूचना तत्काल बिजली विभाग के अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा इलाके की बिजली को डिस्कनेक्ट किया गया, यानी बिजली आपूर्ति को बाधित कर दिया गया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं चिंगारी की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके खबर की, जहां मंत्री के नाम से पत्रकार को शिक्षक ने दिए धमकी। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया FIR, शुरू की मामले की जांच। बता दें कि मामला नगर कोतवाली इलाके के अजीत नगर से जुड़ा हुआ है, जहां के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र प्रताप उर्फ धीरू ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि मंत्री के नाम से उन्हें फोन पर धमकी दी गई, जिसकी शिकायत पाकर पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल FIR दर्ज करने के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक शिक्षक बताया जा रहा है। यह शिक्षक सिउसत गाँव का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शिक्षक समेत दोनों का चालान कर दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बतौर पत्रकार की माने तो डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो कि पूर्व मंत्री प्रतापगढ़ जिले के हैं, उनके नाम से उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। तुम हर काम में अड़ंगा बन रहे हो, टांग अड़ा रहे हो, और सुबह तक कहाँ रहोगे, सुबह तक मैं तुमको उठवा लूँगा। भैया बात क्या है बताइए, कहें तुमको दो तीन IPS जानते होंगे, 13 IPS मुझे मेरा पैर छूते हैं, और तुमको मैं उठवा लूँगा, तुम्हारी हत्या करा दूँगा, उसके बाद फ़ोन कट हो गया। मैंने इसकी सूचना तत्काल SP सतपाल अंतर जी को दी। सतपाल अंतर जी ने रात में ही कई टीमें लगाकर करीब 3 बजे करीब दोनों जो फ़ोन करने वाले थे उनको पकड़वा लिया। तो कौन थे? मुकदमा लिखा गया। तो मुकदमा लिखने जाने के बाद गिरफ्तारी के बाद जानकारी आई कि कोई गोंडा में शिक्षक हैं, एक वो थे, एक उनका भतीजा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर पालिका इलाके खबर की, जहां मामूली बारिश के बाद देवकली के सड़क पर हुआ जलभराव, आने जाने वाले राहगीर हुए परेशान। बता दें, तस्वीरें नगर पालिका के देवकली की है, जहां मामूली बारिश के बाद भी यहां जलभराव हो जाता है। हालत यह होती है कि आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं पैदल चलना तो यहां पर पूरी तरीके से दूभर हो जाता है। इलाके के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। और एक बार फिर से पूरे मामले की शिकायत प्रतापगढ़ नगर पालिका विभाग के अधिकारियों के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष से की गई है। देखना यह होगा कि इन इलाकों की समस्याओं का कब तक निस्तारण हो पाता है। पानी का निकासी कहीं पर नहीं है, जिस तरफ जाएंगे पानी ही भरा हुआ, पूरी बारिश, लोग घूम के आ रहे हैं, गाड़ियाँ रास्ते पर खड़ी करके आ रहे हैं, स्कूली बच्चे आते जाते हैं, सब तक दिक्कत होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां अजगरा उपकेंद्र के सिंदौर गांव में 15 दिनों से नहीं आ रही बिजली, ट्रांसफार्मर जला होने की वजह से ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बता दें, तस्वीरें सिंदौर गांव की है, जहां 15 दिनों से जले ट्रांसफार्मर को लगवाने की मांग कई बार ग्रामीणों ने किया। इसके लिए बाकायदे हेल्पलाइन के अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन उनके गाँव में बिजली आपूर्ति अभी तक बहाल नहीं की गई, जिसकी वजह से नाराज ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर के पास पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की है। कठोरी पूरे गांव लाइट नहीं है, सब अंधेरे में, सब परेशान है, लमसम 50 घर है, ट्रांसफार्मर जल गया है, बहुत गर्मी है, सब लोग परेशान हैं। मामले में जे हिसाब से बात हो रही है, डेली बात हो रही है, करे आज भिजवा देंगे, कल भिजवा देंगे, परसों भिजवा देंगे, यही कह रहे हैं। 912 पे 2 बार शिकायत किए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बोल रहे हैं भिजवा देंगे, मगर आ नहीं रहा ट्रांसफार्मर।